फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सोल करी। मैं हूं लीना, आपकी होस्ट, और आज हम बनाएंगे चंद मिनटों में बनने वाली बहुत ही आसान और डिलीशियस डिश, जिसका नाम है दाल पालक तड़का। पालक की सब्जी आयरन से तो बहुत ही भरपूर है और सभी के लिए बहुत ही सेहतमंद। ये बहुत ही झटपट बनने वाली डिलीशियस दाल है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। दाल को उबालते वक्त उसमें थोड़ा सा नमक डालिए और फिर उबालिए। दाल बहुत अच्छी तरह गल जाती है। यहाँ पर घी के साथ हम थोड़ा सा तेल डालेंगे तड़के के लिए, क्योंकि घी जले नहीं और इससे घी का फ्लेवर भी मेंटेन रहता है। इस तरीके से हम दाल का तड़का पहले बना लेंगे, क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है दाल में। दाल बनाने के कई तरीके हैं जो आपके साथ मैं बाद में ज़रूर शेयर करूंगी, लेकिन जैसे कि पालक का यानी सर्दियों का मौसम है और इस मौसम में पालक से बनी हुई हर चीज़ खाने में बहुत ही मज़ा आता है, तो इस तरीके से आप ये पालक दाल में डालकर बनाकर ज़रूर देखिए। इसका स्वाद ही निराला है, आपको बहुत ही पसंद आएगी। कई लोगों को सिर्फ पालक की सब्ज़ी बनाओ तो पसंद नहीं आती, लेकिन अगर इसी पालक को हम अलग अलग तरीके से अलग सब्जियों के साथ दाल के साथ मिलाकर इसे पकाएंगे तो इसका स्वाद बहुत ही बढ़ जाता है। दाल पालक तड़का तैयार है। आप देख सकते हो कि इस पर जो हमने तड़का लगाया था स्टार्टिंग में, वो ऊपर अच्छी तरह आ चुका है। इसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। अब वीडियो देखकर तो आपको पता नहीं चलेगा, इसलिए इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और ट्राई करने के बाद कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई रेसिपीज़ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अगर आपको सोल कड़ी के रेसिपीज़ पसंद आते हो तो प्लीज़ सोल कड़ी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरे नई रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।